नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोग जो पूछते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए किराए के हिसाब से और बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेस देन 1 crore। तो अगर आप भी उस सेगमेंट के अंदर है तो मेक श्योर इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ 75 lakh rupees आप लगाइए और 75,000 rupees हर महीने कमाइए। तो वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ और वो भी कहाँ पे, बहुत ही बिल्कुल दिल के अंदर। और दिल्ली का दिल कौन सा है? दिल्ली का दिल है द्वारका, जो सब सिटी है दिल्ली की, सिटी विद इन ए सिटी है, और आप इसको बोल सकते हो दिल्ली का चंडीगढ़ है ये, क्योंकि यहाँ पे जो प्लानिंग है वो उस लेवल की है। और यहाँ पे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो अपॉर्चुनिटी बहुत ही जबरदस्त है। और वो क्यों है? क्योंकि देखिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी आप देख रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कमर्शियल प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ वही चलती है जहां पे होती है जनता, जहां पे होता है फुटफॉल, और जहां पे होता है एग्जिस्टिंग फुटफॉल, ना कि फ्यूचर में आने वाला कोई फुटफॉल। ओके, वो वाली लोकेशन है, वो कहां है? द्वारका के दिल में। बिल्कुल ठीक समझा आपने, मैं बात कर रहा हूं ओमैक्स का जो प्रोजेक्ट आया है सेक्टर 19B के अंदर, वहां पे प्रोजेक्ट है जहां पे लगभग 40-45 हजार लोगों की सीटिंग कैपेसिटी के साथ दिल्ली NCR का सबसे बड़ा क्रिकेट कम फुटबॉल स्टेडियम आ रहा है। कितने एरिया में आ रहा है? लगभग 50 एकड़ के अंदर पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। और यहाँ पे लगभग 30 लाख की कैप्टिव पॉपुलेशन है, 1700 से ज्यादा रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, और लगभग 38-40% और यंग पॉपुलेशन है जो आने वाले टाइम के अंदर मॉल्स के अंदर जाना पसंद करती है। और इसके अलावा 60 स्कूल, 22 कॉलेज, 25 हॉस्पिटल, प्लस इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट मैं बात करूं भरत वंदना पार्क है, जहां पे अकॉर्डिंग टू DDA की वेबसाइट के अकॉर्डिंग लगभग 40-50 हजार लोगों की डेली की फुटफॉल रहने वाली है, बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल लेवल का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी को चलाने के लिए और क्या चीज चाहिए होती है? वो चाहिए होता है आपका कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे द्वारका बहुत ही वेल कनेक्टेड है, ये गुड़गांव से भी कनेक्टेड है, ये आपका जनकपुरी रजौरी गार्डन से भी कनेक्टेड है, ये वसंत विहार साउथ दिल्ली से भी कनेक्टिविटी है, साइबर सिटी से भी कनेक्टिविटी है, और जो अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बन रहा है, UER 2 बन रहा है, उसकी वजह से नॉर्थ दिल्ली, रोहिणी, सोनीपत से भी कनेक्टिविटी है, और इवन पश्चिम विहार पंजाबी बाग से भी इसकी कनेक्टिविटी है। तो मल्टीपल लेवल से कनेक्टिविटी है, प्लस जो एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन है उससे तो कनेक्टिविटी है ही है, प्लस एयरपोर्ट हो गया पास में। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं, जो लोग भी यशो भूमि में आते हैं, जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है, वो लोग भी फुटफॉल के अंदर इसके लिए आ सकते हैं। प्लस जो भरत वंदना पार्क मैंने आपको बताया, जो फोर साइड ओपन प्लॉट है लगभग 200 एकड़ के अंदर, जहां पे मिनिएचर्स होंगे पूरे इंडिया के हर एक स्टेट के, वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। प्लस इसके अलावा 160 एकड़ का गोल्फ कोर्स है, वो पास में है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव जो है जहां पे 39 एम्बेसी शिफ्ट होने वाली है वो पास में है, IT एंड ITS का हब पास में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो द्वारका की ऑलरेडी लगभग 50,000 से ज्यादा फैमिलीज पास में रह रही हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये परफेक्ट इन्वेस्टमेंट कमर्शियल डेस्टिनेशन बन जाता है, जहां पे जो मैं आपके साथ शेयर किया था यहाँ पे थंबनेल पे कि 75 lakh rupees लगा के आप 75,000 rupees और बहुत लंबे टाइम तक कमा सकते हैं, और जब तक प्रॉपर्टी बनेगी जब तक तो कमा ही सकते हैं, और उसके बाद में भी अच्छा खासा आपको लीज रेंटल मिलता है पोस्ट पोजेशन की तरफ। ओके, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। जो सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज है वो लगभग 40 lakh rupees से स्टार्ट होता है। जी हाँ, सही सुना आपने, 40 lakh rupees से कहाँ होता है वो अगर आप जानना चाहते हो तो ऊपर या नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। इसके अलावा 75 lakh rupees वाला इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट होता है यहाँ पे, और इस टाइप का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी ओमैक्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चांदनी चौक के अंदर ऑलरेडी कर चुका है। तो उसकी सक्सेस के बाद इनका ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। और ओमैक्स की अगर मैं बात करूं एज ए बिल्डर, तो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, 36 साल हो गए इनको मार्केट के अंदर, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं इनके रेजिडेंशियल और कमर्शियल, और लगभग 200 प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 80 प्रोजेक्ट इनके अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा इंडिया के अंदर लगभग 29 शहरों में और 8 स्टेट के अंदर इनकी प्रेजेंस है, लगभग 1 करोड़
32 मिलियन स्क्वेयर फीट के आसपास डिलीवर कर चुके हैं। 85,000 घरों में लगभग 5,00,000 लोग रहते हैं। ओके, तो ये था एक ब्रीफ अबाउट ओमैक्स 19B द्वारका, जहां पे ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आप टाइप कर सकते हैं #omex19b और आप उसको भेज सकते हैं 8858484084 पे, या फिर इवन कॉल कर सकते हैं इन दिए नंबर पे। सो आई होप यू गॉट अ कंप्लीट क्लैरिटी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करिए। जो लोग भी अपने इस टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं लॉन्ग टर्म रेंटल रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जहां पे आपको 5-स्टार होटल मिल रहा है, स्टेडियम मिल रहे हैं, आउटडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर प्लाजा, और वो बहुत एक प्राइम लोकेशन में, जहां पे पूरी की पूरी स्पोर्ट्स एक डिस्ट्रिक्ट बन रही है, पूरी की पूरी एक स्पोर्ट्स सिटी मिल रही है, जहां पे आपके पास स्विमिंग पूल होगा, 5-स्टार रेटेड क्लब होगा, होटल हो गया, फूड कोर्ट हो गया, मल्टीप्लेक्स हो गया, सोशल डिस्ट्रिक्ट हो गया, और ऑलरेडी इनके वर्ल्ड स्ट्रीट है ओमैक्स फरीदाबाद, वहां पे ऑलरेडी इस टाइप के कॉन्सेप्ट इन्होंने लाइव करे हुए हैं, जहां पे मल्टीपल इवेंट्स होती हैं, जहां पे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, और जो वन ऑफ द हॉट स्पॉट है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल मार्केट ऑफ फरीदाबाद, वही चीज यहां पे ये रेप्लिकेट करने जा रहे हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट अ कंप्लीट क्लैरिटी। जाते जाते रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।